हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति और आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 100 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपकी जो भी क्लासेस अपडेट की जाती हैं, जो भी वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन आते हैं, रिजल्ट को लेकर, तो आप सभी के लिए जो नोटिफिकेशन पहुँचे आप सभी क्लासेस जो अटेंड कर पाएँ। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो यहाँ पर 100 एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं, जो कोशिश की जा रही है कि डेली आपको 100-200 एमसीक्यूज तक प्रोवाइड करवाए जाएं, जिनका भी हरियाणा त्रिपुरा एमपीसीएचओ का पेपर है, अप्रैल में ही पेपर है सभी का, एंड डीएमईआर का पेपर भी है, तो उन सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। एट प्रेजेंट मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आप हरियाणा एंड त्रिपुरा की क्लास भी लीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, चाहे मैटरनल हेल्थ से, और जो एमपीसीएचओ का सिलेबस है वो एसएम सिलेबस त्रिपुरा सीएचओ का भी है, थोड़ा सा बस चेंज किया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक है वो आपके सीएचओ एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, एडोलेसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, एपिडेमियोलॉजी, फर्स्ट एड, ये सभी टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हैं, जो हमने सेकेंड ईयर एंड लास्ट ईयर में बीएससी में पढ़े हुए हैं, तो वो सभी टॉपिक यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो आज की क्लास में 100 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, तो आप ये ना सोचें कि ये एमपी बस के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो त्रिपुरा सीएचओ का, हरियाणा सीएचओ का, डीएमईआर हरियाणा का पेपर देने वाले हैं, साथ ही साथ अलग अलग स्टेट में जो एनएचएम के पेपर हो रहे हैं उनके लिए। तो जो 100 एमसीक्यूज हैं, कोशिश की जाएगी कि आपकी 40-45 मिनट में पूरे एमसीक्यूज विथ रेशनल के आपको सॉल्व करवाए जाएँ, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाया जाए। ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दी गई है हमारी वन मंथ पहले, तो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, मेडिकल एंड नर्सेस हब के नाम से आपको मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के, तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि सभी डाउट्स आपके क्लियर करूँ। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एपिडेमियोलॉजी को लेके, क्वेश्चन है वो है एपिडेमियोलॉजी ट्रायड थ्योरी ऑफ डिसीज कॉजेशन इंक्लूड्स। तो एपिडेमियोलॉजी की जो ट्रायड थ्योरी है, ट्रायंगल थ्योरी है, उसमें डिसीज का कॉजेशन क्या है? ऑप्शन में टाइम प्लेस पर्सन, एजेंट होस्ट एनवायरमेंट, सोर्स मोड रिजर्वर एफ डी नन ऑफ दी अबव। तो हर एक सीएचओ के एग्जाम में क्वेश्चन आता है एपिडेमियोलॉजी को लेके, जो ट्रायड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, तो थ्री ट्रायंगल जो रहेंगे वहाँ पर क्या रहेगा, तो वहाँ पर होगा एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट। क्या है डिसीज़ का कॉजेशन? एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इस तरीके से रहेगा। तो एजेंट में व्यूरुलेंस ऑफ इन्फेक्टिविटी, पैथोजन की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सब आएंगी। होस्ट में पर्सन आएंगे, जो भी यहाँ पर जैसे ह्यूमन बीइंग ले लो या फिर एनिमल्स ले लो, इन्वायरमेंट क्या तरीके का रहेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी। तो एपिडेमियोलॉजिकल का जो कॉजल फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं ट्रायंगल थ्योरी में, वो क्या है? एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट्स इन डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिनोट्स टू। तो डिटर्मिनेंट्स हैं जो एपिडेमियोलॉजी में, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? रिस्क फैक्टर को, टाइम को, प्लेस को या फिर डिसीजन को। तो जो एपिडेमियोलॉजी के डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? रिस्क फैक्टर को, कि डिसीज़ के जो कॉजेटिव एजेंट हैं उसमें रिस्क फैक्टर हो गए, रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग के क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन एपिडेमियोलॉजी से ले हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कौन सी स्टडी है जिसमें डिसीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाएगी, कि पॉपुलेशन में डिसीज़ किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रही है, किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कॉज है, सभी चीज़ों की स्टडी क्या कहलाएगी? ऑप्शन में है हेमेटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर रूमेटोलॉजी। तो जो स्टडी यहाँ पर बात की जा रही है वो क्या है यहाँ पर? वो है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी में स्टडी की जाती है किसकी? जो डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिसीज़ कैसे कॉज हुई है, इन सभी एजेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टडी की जाएगी वो क्या कहलाती है? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन। इसमें जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं, डायनामिक्स हैं, डिसीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, फैली है, एटियोलॉजी है, इसका कॉजिटिव एजेंट क्या है, सभी चीज़ की स्टडी किया जाना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट इज
The systematic collection of numerical information often under conditions of considerable control and the analysis of the information using statistical procedure best defines. तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को हम सिस्टमेटिकली कलेक्ट करेंगे और उनको अलग अलग तरीके से स्टैटिकल वे में क्या करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्वांटिटेटिव रिसर्च, एविडेंस बेस्ड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में यदि आपको ऑप्शन में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वर्ड यूज़ होता है, न्यूमेरिकल नंबरिंग यूज़ होती है, दैट मीन्स ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। यदि यहाँ पर क्वालिटी वाइज कुछ भी बताते कि ये चीज़ें प्रेजेंट हैं तब क्वालिटेटिव हम कहते, बट न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हम नंबरिंग बेस्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट इज एन आउटब्रेक ऑफ डिसीज अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन एक्सटेंडेड टू वाइड जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। तो आउटब्रेक ऑफ डिसीज जो कि लार्ज पॉपुलेशन को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट कर रहा है, जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट कर रहा है, तो क्या है, एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक या फिर पैंडमिक। तो ये डिसीज़ क्या कहलाएगी, पैंडमिक, क्योंकि इसने जो वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल एरिया है लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर तीन इमेज से आप इजीली समझ सकते हैं। एंडेमिक डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन और रीजन विथ रिलेटिवली लो स्प्रेड। मान लीजिए किसी गांव में डायरिया की सिचुएशन हुई है तो पूरे उसी गांव को एटलीस्ट ब्लॉक तक अफेक्ट होगी, बट वहां से किसी दूसरे कंट्री या दूसरी जगह को अफेक्ट नहीं करेगी, तो एंडेमिक हो जाएगा। एपिडेमिक में ऐसी डिसीज आएंगी, सडन इंक्रीज इन केस स्प्रेडिंग थ्रू अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ही फास्ट तरीके से एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा केसेस होंगे, तो वो क्या है, एपिडेमिक। पेंडेमिक होगा तब जब पूरा वर्ल्ड वाइड अफेक्ट होगा, जैसे अभी कोविड है, ब्यूबेनिक प्लेग फैला था, तो ये सब किस में आएंगे, पेंडेमिक में। नेक्स्ट है यहाँ पर हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी इज ऑल्सो नोन एज। तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी का दूसरा नाम क्या है, मुदलियार कमिटी, भोर कमिटी, मुखर्जी कमिटी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी का दूसरा नाम क्या है, मुदलियार कमेटी, और यदि भोर कमेटी पूछी जाती है तो उसका दूसरा नाम क्या, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ये चीज़ याद रखना है आपको, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी में पीएससी को है जो लाया गया था, जो कि 1946 में आया था, और इसका दूसरा नाम क्या है, भोर कमेटी। इसके चेयरपर्सन कौन थे, सर जोसेफ भोर। मुदलियार कमेटी 1962 में आई थी, इसका नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कैंपेन डेपिसिटेड बाय द इमेज। तो यहाँ पर जो एक कैंपेन दिख रहा है आपको, ये बताना है किसका है, सर्व शिक्षा अभियान का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो सर्व शिक्षा अभियान वाली इमेज आपने देखी होगी, एक पेंसिल के ऊपर दो बच्चे बैठे होते हैं, वो है सर्व शिक्षा अभियान का कैंपेन का लोगो। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि हरियाणा में पहली बार लॉन्च किया गया था 2015 में, याद रखना है आपको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन लाया गया था 2015 में, हरियाणा में इसका स्टार्ट किया गया था और ये लोगो उसी का है। नेक्स्ट इज हु इज़ द रिसेंट आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एट प्रेजेंट आईटी मिनिस्टर कौन है इंडिया के, रवि शंकर प्रसाद, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल या फिर मनसुख मांडविया। तो एट प्रेजेंट की बात करें तो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि 7 जुलाई 2021 से हैं। मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है। एट प्रेजेंट में हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया, आईटी मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। यदि उड्डयन मंत्रालय और एविएशन मिनिस्टर आपसे पूछे जाते हैं तो वह ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, एम क्या नहीं है। ऑप्शन में है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिसीज फाउंड इन द कम्युनिटी, टू इवेलुएट बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रिवेंटिव एंड थेरापीटिक मेजर्स एंड मोड्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज, टू हेल्प ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द सोशल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो एपिडेमियोलॉजी के एम क्या क्या हैं, जो डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि डिसीज़ के एक्सटेंट क्या हैं कम्युनिटी में, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या थेरापेटिक मेजर्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, डिसीज़ की प्रोग्नोसिस क्या है, डिसीज़ की नेचुरल हिस्ट्री क्या है, तो ये सभी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। बट यहाँ पर हम कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते कि सोशल कॉज जो प्रॉब्लम हो रही है उसका कंक्लूज़न हम नहीं ला सकते। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, डी।
टू हेल्प ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द सोशल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सोसाइटी के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पर हम उनका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बट जो डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोग्नोसिस है, उस सभी को हम चेक कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसका एम क्या हो, एपिडेमियोलॉजी के एम सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द नर्स हु इज़ वर्किंग इन अ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ इज़ प्रोवाइडिंग विच लेवल ऑफ केयर। यदि आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करते हैं तो आप किस तरीके की केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, एफ दी नन ऑफ दी अबव। तो प्राइमरी में तो हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर लेक्चर के थ्रू सभी चीज़ें समझा सकते हैं कि डिसीज़ प्री प्रिवेंशन हम जिसको कहें होने के पहले ही हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी में होने के बाद, डायग्नोस होने के बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। यहाँ पर कहा है कि आप रिहेबिलिटेशन में काम कर रहे हैं तो रिहेबिलिटेशन में वो पर्सन जाएंगे टर्शरी लेवल ऑफ केयर डिजर्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी टर्शरी लेवल ऑफ केयर। नेक्स्ट वन इज़ विच वन इज़ द ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स। तो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स कौन से हैं, ऑप्शन में है ब्लेज हेल्थ गाइड, डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर बोथ ए एंड सी। तो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं यहाँ पर ब्लेज हेल्थ गाइड, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये देखिए यहाँ पर ब्लेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा एंड उषा, ये सभी क्या हैं, ग्रॉस लेवल रूट लेवल वर्कर्स हैं। तो सबसे नीचे की तरफ से हम कहें कि ये काम करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, आशा उषा हेल्थ जो ब्लेज हेल्थ गाइड हैं और लोकल दाई हैं वहाँ की, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, क्या हैं, ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको कहा जाता है, सब सेंटर को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को या फिर रीजनल हॉस्पिटल्स को। तो जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती हैं क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्म्स एग्जाम में आ सकता है, तो एक सब सेंटर प्लान एरिया और हिली ट्रैवल एरिया याद रखना है। तो यदि सब सेंटर प्लान एरिया में पूछते हैं तो 5000 पॉपुलेशन के लिए, पहाड़ी एरिया में ट्रैवल एरिया में पूछते हैं तो 3000 के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 प्लान एरिया और हिली ट्राइबल एरिया है तो 20,000 में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000 प्लान एरिया और 80,000 हिली और ट्राइबल एरिया। अब हेल्थ वर्कर की बात की जाती है तो जो हेल्थ वर्कर है 5,000 यदि प्लान एरिया है तो वहाँ पर एक हेल्थ वर्कर रहेगा, और यदि हिली ट्राइबल एरिया है तो एक हेल्थ वर्कर 3,000 पॉपुलेशन के लिए रहेगा। नेक्स्ट इज द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज। तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन क्या है, होम विजिट, रिकॉर्डिंग, हेल्थ एजुकेशन या फिर इम्यूनाइजेशन। तो बैकबोन की बात हो रही है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में तो क्या है, हेल्थ विजिट। नेक्स्ट इज रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ। तो रेडमैन सिंड्रोम का मतलब है कि ये किसी डिसीज का साइड इफेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन में वैंकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। रेड मैन सिंड्रोम किससे रिलेट करेगा, वैंकोमाइसिन से, क्लोरामफेनिकोल से ग्रे बेबी सिंड्रोम की सिचुएशन होगी, रेड मैन सिंड्रोम किससे होगा, वैंकोमाइसिन से। यदि रेड मैन सिंड्रोम आता है तो वैंकोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल आता है तो ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज इन विच 5-year प्लान प्रोग्राम आशा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो किस पंचवर्षीय योजना में 5-year प्लान में आशा वर्कर्स को लाया गया था, 8th में, 9th में, 10th में या फिर 11th में। तो जो पंचवर्षीय योजना थी, 5-year प्लान था जब आशा वर्कर्स लाई गई थी, वो थी 11th 5-year प्लान जो कि 2007 से 2012 के बीच तक रही है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसके तहत आशा वर्कर्स को लाया गया था। नेक्स्ट इज अंडर NRHM हु विल बी द लिंक पर्सन बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो NRHM के तहत एक लिंक पर्सन कौन है जो कम्युनिटी के बीच में एंड जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसके बीच में क्या रहेगा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं लिंक बना के रखेगा, तो वो है आशा वर्कर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो कौन सी ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेंगी, आइसोनियाजिड, रिफामसिन, पायराजिनामाइड या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगी होंगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, कॉज कर सकती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी वो क्या होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट इज फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन इज गिवन अलोंग विथ। तो जो पहला डोज दिया जाता है विटामिन ए का वो कब दिया जाता है, MMR के साथ, OPB के साथ, DPT के साथ या फिर मीजल्स के साथ।
तो जो विटामिन ए का पहला डोज दिया जाता है बेबीज में, वो दिया जाता है मीजल्स वैक्सीन के साथ में ओरली। मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के बाद ओरल रूट से विटामिन ए दिया जाता है। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो NRHM का पीरियड है कब तक रहा है? ऑप्शन में 2002 से 2010, 2002 से 2012, 2007 से 2009 या फिर 2005 से 2012। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो पीरियड रहा है वो कब तक रहा है? 2005 से लेके 2012 तक। 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका जो कार्यकाल रहा है 2012 तक रहा है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर ऑल पेशेंट केयर डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है पेशेंट के पूरे केयर डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए। किस टाइप का रिकॉर्ड है? ऑप्शन में पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स या फिर मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड। तो यहाँ पर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज ग्रेव्स डिसीज है। तो ग्रेव्स डिसीज किस टाइप की? हाइपर थायरॉयडिज्म के कारण, हाइपो पिट्यूटरी थायरॉयडिज्म, हाइपो पैरा थायरॉयडिज्म या फिर हाइपो थायरॉयडिज्म। तो ग्रेव्स डिसीज क्या है? हाइपर थायरॉयडिज्म के कारण होने वाली प्रॉब्लम, जो TSH का लेवल है वो क्या रहेगा? हाई हो जाएगा, तो ग्रेव्स डिसीज होने के चांसेस रहेंगे। तो हाइपर थायरॉयडिज्म का ही एक और एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? ग्रेव्स डिसीज। नेक्स्ट इज अ फीडिंग प्रॉब्लम अमंग इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स में कौन सी फीडिंग प्रॉब्लम कॉमन होती है? चोकिंग, हिकअप्स, एस्पिरेशन या फिर रिगर्जिटेशन। तो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें क्या है? फीड कराने के बाद रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम है जो कॉमन रहती है, तो उसको बर्पिंग हम कहते हैं कि बेबी को फीड कराने के बाद बर्पिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि रिगर्जिटेशन है जो मिल्क का ना हो पाए। तो जो मोस्ट कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम है इन्फेंट्स में वो क्या है? रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट इज व्हेन अ पेशेंट टेल्स द नर्स दैट ही इज कूल टू अंडरगो सर्जरी विथ हिज बॉडी रिजिड एंड शार्प वॉइस, अ नर्स कैन इंटरप्ट दैट ही इज एनजीएस एज एविडेंस बाय द बॉडी लैंग्वेज। विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज हियर? यहाँ पर पेशेंट अपने आप को कह रहा है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं, बट नर्स जो चीज़ देखेगी उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ के, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन हो जाएगा? मेटा कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, वर्बल या फिर सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन। तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि अपनी एंजाइटी दूसरों को सो नहीं होने देते, बट डॉक्टर नर्सेस हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? मेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज माल प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माल प्रैक्टिस किस टाइप का एग्जाम्पल है? अनइंटेंशनल टॉर्ट्स, असॉल्ट, बैटरिंग या फिर इंटेंशनल टॉर्ट्स। तो माल प्रैक्टिस जो गलती हो जाती है वो किस तरीके का टॉर्ट कहलाएगा? वो कहलाएगा अनइंटेंशनल टॉर्ट्स। नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शन में रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर, जॉन स्नो या फिर रोनाल्ड रॉस। तो एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है? जॉन स्नो। नेक्स्ट इज डिस्टोकिया इज। तो डिस्टोकिया क्या है? एबॉर्शन, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन। तो डिस वर्ड यूज़ होता है, दैट मीन्स कुछ एबनॉर्मल है। तो यूटोकिया पूछते हैं तो नॉर्मल लेबर, डिस्टोकिया पूछते हैं तो एबनॉर्मल लेबर, सिजेरियन सेक्शन का अदर फॉर्म पूछते हैं तो LSCS। सर इज द करेक्ट आंसर इज सी, एबनॉर्मल लेबर। डिस्टोकिया मीन्स एबनॉर्मल लेबर, यूटोकिया मीन्स नॉर्मल लेबर। नेक्स्ट इज रॉर्चाच टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रॉर्चाच टेस्ट किया जाता है किसका एग्जाम्पल है? प्रोजेक्टिव टेक्निक का, फील्ड नोट्स का, बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स का या फिर ऑब्जर्वेशनरी टेक्निक का। तो रॉर्चाच टेस्ट है किस तरीके का टेस्ट है? प्रोजेक्टिव टेक्निक का एक हिस्सा है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रोब टू कॉज डिसीज इज नोन एज। तो माइक्रोब्स की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है डिसीज कॉज करने की, वो क्या कहलाता है? पैथोजेनेसिटी, व्यूरुलेंस, इन्फेक्शन या फिर इम्यूनिटी। तो माइक्रोब्स की डिसीज़ को कॉज करने की कैपेसिटी कहलाएगी पैथोजेनेसिटी। यहाँ पर देखिए माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। पैथोजेनेसिटी का मतलब है कि डिसीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है उसकी कितनी एबिलिटी है, बट व्यूरुलेंस का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा पैथोजेनेसिटी है, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस है उसकी कितनी ज़्यादा क्षमता है डिसीज़ को और ज़्यादा अग्रेसिव बनाने की। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें डिफरेंट है, माइनर सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है यहाँ पर एन आइटम विच कैन बी इंक्लूडेड इन ए आइटम्स इन ABC एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो
तो एबीसी एनालिसिस में ए लिस्ट में कौन से आइटम आएंगे? ऑप्शन में गॉस बंडल, सिरिंज एंड नीडल्स, एमआरआई मशीन या फिर बेड लिनन। तो यहाँ पर थ्री टाइप्स के एबीसी एनालिसिस में इन्वेंट्री कंट्रोल में आइटम्स आते हैं, तो जो मशीन एमआरआई मशीन है ए लिस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पर ए लिस्ट पूछा है तो क्या है, मशीन आ जाएगी। कैटेगरी ए बी सी में, तो ए कैटेगरी में ऐसे आइटम्स आते हैं जो सीनियर मैनेजमेंट है इसको कंट्रोल करेंगे। कैटेगरी बी में आ जाएंगी सिरिंज, नीडल्स, गॉज बंडल, ये सब आ जाएंगे। तो कैटेगरी थर्ड होती है, इसमें जो जूनियर वर्कर्स होते हैं वो इस चीज़ को पूरा जो सामान उसको हैंडल कर सकते हैं, बट कैटेगरी ए में एमआरआई मशीन ही आएगी। एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनिंग मशीन, जितनी भी मशीन आएंगी वो कैटेगरी ए में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इन डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो डर्मिस लेयर में है स्किन का? पेपिला, सबक्यूटेनियस फैट, स्वेट ग्लैंड या फिर मिलेनिन। तो जो स्ट्रक्चर डर्मिस लेयर में है उसका एग्जांपल यहाँ पर क्या है, स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं वो। नेक्स्ट इज हु डेवलप द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन टू प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया। तो फूड को स्पॉइल होने से के बचाने के लिए इस पास्चराइजेशन मेथड है वो किसने दी थी, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, जोसेफ लिसर ने या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो प्रिवेंशन फॉर फूड स्पॉयलेज के लिए जो मेथड बनाई थी पास्चराइजेशन किसने दी थी, लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट इज इन विच डिसीज कंडीशन अ बूट सेफ्ड हार्ट इज सीन इन चेस्ट एक्सरे। तो कौन सी डिसीज कंडीशन है जिसमें चेस्ट एक्सरे किया जाएगा जो हार्ट का सेप होगा वो बूट के सेप का होगा, जो जूते होते हैं उस टाइप से बूट कहलाते हैं, जो उस टाइप से रहेगा तो किस डिसीज में रहेगा? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया या फिर टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो बूट सेप्ड हार्ट देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे होगा तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में, जिसमें फोर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज अ बेटर मेथड ऑफ टीचिंग इंट्रावीनस कैन्यूलेशन इज। तो आईवी कैनुला के लिए बेटर मेथड क्या होगी? ऑप्शन में डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर या फिर सेमिनार। तो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने की जो टेक्निक है, जब तक आप उसको डेमोन्स्ट्रेट होते हुए ना देख लें, प्रैक्टिकली नहीं देख लें, आपसे नहीं बनेगा। तो बेस्ट मेथड है टीचिंग आईवी कैनुलेशन के लिए तो क्या, डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट इज पेन दैट कैन अकर इन एन एम्पुटेटेड पर्सन इज। तो एम्पुटेटेड पर्सन में जो पेन होगा, किसी का एम्पुटेशन हुआ है, लोअर नी के एम्पुटेशन हुआ है, तो जो पेन होगा वो किस टाइप का पेन होगा? फैंटम लिम पेन, पोस्थराइटिक न्यूरलजिया, ट्राइजेमिनल न्यूरलजिया या फिर कॉजलजिया। तो एम्पुटेटेड पर्सन में जो पेन होता है वो कहलाता है फैंटम लिम पेन। क्या कहलाएगा? फैंटम लिम पेन, और होस्ट पेन भी यही पेन कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, फैंटम लिम पेन और घोस्ट पेन, जिसमें आपका जो एम्पुटेटेड एरिया है वहाँ पर आपको फील होगा कि आपका पैर यहाँ पर है बट एक्चुअल में नहीं होगा, तो उसको घोस्ट पेन कहते हैं या फिर फैंटम लिम पेन। नेक्स्ट इज विच इज़ द स्टेज ऑफ ट्यूमर इफ़ इट इज़ एनी साइज विथ पॉजिटिव और नेगेटिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इन डिस्टेंट मेटास्टेसिस अकॉर्डिंग टू TNM क्लासिफिकेशन। तो किस स्टेज का ट्यूमर है जिसमें कोई भी साइज पॉजिटिव नेगेटिव हो लिम्फ नोड बट उसमें मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा, TNM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो किस स्टेज का ट्यूमर होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो ये स्टेज यहाँ पर होगी वो होगी स्टेज फोर्थ, जिसमें मेटास्टेसिस देखने को बहुत ही फास्ट तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट कैन बी अ पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ब्रूसेलोसिस। तो ब्रूसेलोसिस का जो पॉजिटिव पॉसिबल सोर्स है वो क्या होगा इन्फेक्शन के लिए? रैट्स, सीप, गोट्स या फिर हॉर्सेस। तो ब्रूसेलोसिस का जो यहाँ पर सोर्स होगा वो क्या होगा? गोट्स, जो बकरियाँ हैं वो है, जो सोर्स है वो क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हुए गोट्स, बकरियाँ। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेबल टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ डिसीज रिप्रेजेंट। तो जो ऑब्जर्वेबल टिप है आइसबर्ग की डिसीज की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? अननोन केस को, हिडन केस को, प्रिवेंटिव केस को या फिर क्लिनिकली और रिकॉग्नाइजेबल केसेस को। तो टिप और बॉटम में दोनों एग्जाम में आती हैं। तो आइसबर्ग का जो फिनोमिना है वो इस तरीके से है, जिसमें जो टिप ऑफ आइसबर्ग क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लिनिकली रिकॉग्नाइज्ड केस।
यदि डाउन साइड का पूछते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? बॉटम इनविजिबल केस असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कैरियर से सब किस में आएंगे? बॉटम पूछेंगे। यदि टिप पूछते हैं तो क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल केस जो विजिबल केस है वो यहाँ पर क्लिनिकली इलनेस है डेथ है वो सब किस में आएंगी? टिप ऑफ आइसबर्ग में। नेक्स्ट इज कपोसी सार्कोमा इज सीन इन, तो कपोसी सार्कोमा किस में देखने को मिलेगा? ल्यूकेमिया के पेशेंट में, एड्स में, ब्रेन ट्यूमर में या फिर ग्लूकोमा में? तो जो कापोसी सार्कोमा देखने को मिलता है किस में? एड्स के पेशेंट में। नेक्स्ट इज द सेंट दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस, तो हाइड्रोसिफेलस में एक मोस्ट कॉमन यूज होने वाला सेंटिंग प्रोसेस है वो क्या है? हाइड्रोसिफेलस क्या है? ब्रेन में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड है उसका लेवल बढ़ जाना, वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाना। तो ऑप्शन में वेंट्रिकुलो एट्रियल सेंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट, वेंट्रिकुलो प्लूरल सेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है हाइड्रोसिफेलस का वो क्या है? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट। इस तरीके से वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट जिसको बीपी सेंट के नाम से भी जानते हैं हाइड्रोसिफेलस के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाला है मोस्ट और इम्पॉर्टेंट कॉमनली यूज होने वाला ट्रीटमेंट है पेरिटोनियल सेंट बीपी सेंट। नेक्स्ट इज द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड, तो कान में मेडिकेशन डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इन्हेलेशन, इंस्टलेशन, इंजेक्शन या फिर इन्फिल्ट्रेशन? तो ईयर में जो मेडिकेशन डालते हैं उसको क्या कहेंगे? इंस्टलेशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड्स, तो कौन से प्रिंसिपल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के? गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेशन या फिर इम्पार्शियलिटी? तो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है? इम्पार्शियलिटी। हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इम्पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमनियास इन अ वुमन विद जेस्टेशनल डायबिटीज, तो यदि मदर को क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और हाइड्रोमनियोस की सिचुएशन डेवलप होती है तो इसका रीज़न क्या होगा? इंक्रीज ट्रांसड्यूशन, फीटल डायरेसिस, एब्सेंस ऑफ स्वेलोइंग रिफ्लेक्स इन फीटस, हाइपरप्लासिया ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हाइड्रोमनियोस का होने का कारण है जो मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो फीटल डायरेसिस। क्या है? फीटल डायरेसिस इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है जो हो सकता है। नेक्स्ट इज अ फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग अ पर्सन टू नोजोकोमियल निमोनिया इज, तो नोजोकोमल निमोनिया होने के लिए यहाँ पर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन सा होगा? मतलब और ज़्यादा बढ़ावा देगा निमोनिया होने के लिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जिसको हम कहें, तो ऑप्शन में ओरोफेरेंजियल कॉलोनाइजेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, यूज ऑफ एनजी ट्यूब या फिर यूज ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। तो नोजोकोमल निमोनिया जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होगा इसको हम क्या कहेंगे? नोजोकोमल निमोनिया का नाम देंगे। तो यहाँ पर कौन सा किसके कारण होगा? तो ईटी ट्यूब के कारण सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है और नोजोकोमल निमोनिया है रिफर्स टू एनी निमोनिया कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ पेशेंट इन हॉस्पिटल बाय एटलीस्ट 48 to 72 hours आफ्टर बीइंग एडमिटेड, तो एडमिशन होने के बाद हॉस्पिटल में 48 से 72 घंटों के बाद जो निमोनिया डेवलप होगा उसको क्या कहा जाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा और जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज अ 6-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इज़ दी सिग्निफिकेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी डन डेली बाय अ नर्स, तो यहाँ पर एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा एडमिट हुआ है, तो यहाँ पर एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, तो क्या सिग्निफिकेंट आप यहाँ पर इंटरवेंशन है जो चेक करते रहेंगे? चेकिंग द टेम्परेचर, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, मेजरिंग मिडआर्म सर्कमफेरेंस या फिर चेकिंग कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यदि यूरिनरी सिस्टम को लेकर कुछ भी क्वेश्चन आपको आता है तो ऐसे केस में आपको यूरिनरी हार्ट और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें आपको चेक करना सबसे पहले क्या मॉनिटर करना पड़ेगा? इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। फ्लूड लॉस हो, बर्न पेशेंट हो, तो ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले इनटेक आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करते रहना होगा। यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है तो जो आप फर्स्ट यहाँ पर डेली आप क्या चेक करेंगे? इनटेक आउटपुट चार्ट। नेक्स्ट इज द एंटीडॉट यूज्ड इन आयरन टॉक्सिटी, तो इनकेस यदि आयरन ओवरडोज हो जाता है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? एन एसिटाइल सिस्टीन, एट्रोपिन, चारकोल या फिर डीप्रोक्सामाइन।
तो जो एंटीडोट यूज़ किया जाएगा आरआई टॉक्सिटी को ट्रीट करने के लिए वो क्या होगा, डीफ्रॉक्सामाइन। नेक्स्ट इज येलो कलर कोड इज़ यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, तो येलो कलर है जो किस टाइप के हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए यूज़ किया जाए, ग्लासवेयर, बॉडी पार्ट्स, प्लास्टिक या फिर साफ। जो बॉडी का जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, फ्लूड वेस्ट होता है, बॉडी पार्ट्स होंगे, जो भी प्लेसेंटा होगा, एम्पुटेटेड पार्ट होंगे, वो सभी येलो कलर के बैग में डिस्कार्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स एज अ सेफ साइट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो एडल्ट्स की बात हो रही है, तो एडल्ट्स में सेफ साइट क्या है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए, वास्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल या फिर रेक्टस फीमोरिस। तो यदि एडल्ट्स का पूछें तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, वेंट्रोग्लूटियल साइट। यदि इन्फेंट्स में पूछें तो वास्टस लेटरलिस मसल्स। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यदि बच्चों को पूछते तो वास्टस लेटरलिस, बट यदि एडल्ट्स को पूछते तो वेंट्रोग्लूटियल। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो चीज़ आप देख रहे हैं वो है, तो ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, ईचिंग, नोजिया, फीलिंग ऑफ वरी या फिर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ऑब्जेक्टिव डेटा में जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं वो आएंगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ऑब्जेक्टिव में जो भी चीज़ें आप मेजर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, दिखेंगी आपको वो आ जाएंगी। सब्जेक्टिव में जो चीज़ें पेशेंट आपको बता रहा है आप उनको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं कर सकते, बट पेशेंट जो चीज़ें बताएगा वो किस में आएंगी, सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, डिस्निया, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, हाइपोटेंशन। क्या है यहाँ पर मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन स्पाइनल एनेस्थीसिया में। नेक्स्ट है यहाँ पर द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन आयरन टेबलेट फॉर मदर, तो जो मदर्स को आयरन की टेबलेट दी जाती है तो एक आयरन टेबलेट में कितना एलिमेंटल आयरन रहेगा, ऑप्शन में 50 μg, 60 μg, 60 mg या फिर 60 UG। तो जो एलिमेंटल आयरन रहता है कितना होता है, 60 mg। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू कॉम्बैट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी, तो MgSO4 टॉक्सिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन एज एन एंटीडॉट के तौर पर यूज़ की जाएगी, ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी MgSO4 टॉक्सिटी को ट्रीट करने के लिए वो होगी कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट इज अ वुंड वेयर द स्किन लेयर्स हैव बीन स्क्रैप्ड ऑफ इज टर्म्ड एज, तो वुंड जहाँ पर कोई भी घाव हुआ है तो वहाँ की स्किन क्या हो जाए, स्क्रैप हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इंसीजन, पंचर, लेसरेशन या फिर एब्रेशन। तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा एब्रेशन। नेक्स्ट इज एन इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन टू अ ड्रग टू विच अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन सेंसिटाइज्ड इज नोन एज, तो किसी भी मेडिसिन के कारण आपकी बॉडी यदि सेंसिटिव है तो उसके लिए क्या कहलाएगा, जो इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा, ऑप्शन में ड्रग एलर्जी, ड्रग टोलरेंस, ड्रग इनटोलरेंस या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी। तो जो यहाँ पर एलर्जी होगी किसी को भी तो वो क्या कहलाएगी, ड्रग एलर्जी। यदि आपकी स्किन किसी भी मेडिसिन को लेके सेंसिटिव है तो वो क्या कहलाएगा, ड्रग एलर्जी। नेक्स्ट इज डिगोक्सिन एजेंट, डिगोक्सिन क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर एंटी एंजाइना ड्रग्स। डिगोक्सिन क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड से डिगोक्सिन डिजिटालिस एजेंट। एग्जाम में क्वेश्चन है आपको इसकी टॉक्सिटी को लेके, और टॉक्सिटी के अलावा यहाँ पर डिगोक्सिन का विथहेल्ड करना है, तो ब्रेडिकार्डिया के केस में हमें डिगोक्सिन विथहेल्ड करना है जब पल्स रेट बिलो द 60 हो जाए, क्योंकि और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। डिगोक्सिन का जो फर्स्ट साइन माना जाता है टॉक्सिटी का वो होता है विजुअल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्ब्लाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन इज नोन एज, ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें अम्ब्लाइकस क्या हो जाए, मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, वेलामेंटस इंसर्शन, बेटलडोर, सक्सिनेटर या फिर मार्जिनल। तो अम्ब्लाइकस यदि मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट होती है तब ये क्या कहलाएगा, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज द इंडेक्स फॉर फाइंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की जो इफेक्टिवनेस है, क्या फेलियर रेट है, इसको पता करने के लिए कौन सा इंडेक्स होगा यूज़
पर्ल इंडेक्स, ब्रोका, लॉरेंट या फिर पॉडर्नल इंडेक्स। इंडेक्स यूज़ होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट करने के लिए, वो होता है पर्ल इंडेक्स। इस कॉमनली यूज मेजर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी, कितना वर्क किया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ने, क्या इसकी फेलियर रहे हैं, क्या प्रेगनेंसी हुई है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के बाद भी। फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इनटू 100। नेक्स्ट इज एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड वॉज ब्रॉट टू द वेल बेबी क्लिनिक फॉर बूस्टर डोज ऑफ DPT वैक्सीन। विच अमंग द फॉलोइंग मसल इज प्रिफर्ड बाय द नर्स टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन। तो कौन सी, जो 18 महीने का बच्चा हॉस्पिटल में लाया गया है वेल बेबी क्लिनिक में, तो DPT वैक्सीन दी जानी है, तो कौन सा रूट प्रिफर किया जाएगा। ऑप्शन में है बेंट्रोग्लूटियल, डेल्टॉइड, वास्टस लेटरलिस या फिर डॉर्सोलेटरल। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो इंट्रामस्कुलर रूट है बच्चों में कौन सी मसल्स में यूज़ होता है, वास्टस लेटरलिस में, और DPT इंट्रामस्कुलर रूट दी जाएगी। तो यहाँ पर जो 18 महीने के बच्चे में DPT का वैक्सीनेशन होना, वैक्सीन दी जानी है, वो वास्टस लेटरलिस मसल्स में दी जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाइल प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर सर्जरी हु हैज़ डायबिटिक मेलाइटिस, द नर्स शुड बी अवेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल सर्जिकल रिस्क एसोसिएटेड विद दिस डिसीज। तो यदि डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, सर्जरी के बाद आपको किस चीज़, सर्जरी के दौरान आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा कि उसको क्या चीज़ हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फ्रॉम एनेस्थीसिया, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, पुअर वुंड हीलिंग, ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो DM के जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वुंड हीलिंग को लेके, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी वीक तो रहती ही, साथ ही साथ जो ग्लूकोज, इंसुलिन है, ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी। तो डायबिटीज मेलाइटिस के केस में सबसे ज़्यादा चांस किसके होंगे, पुअर वुंड हीलिंग के, क्योंकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी ब्लड वेसल्स में, नैरो ब्लड वेसल्स रहेंगी डायबिटिक पेशेंट की, तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुँच पाएगा, जिससे जो वुंड है, घाव है, प्रॉपर हील नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट इज नोन एज। यदि यूट्रस अंदर की तरफ ही टर्न हो जाए तो क्या कहलाएगा, एंटीवर्जन, इन्वर्जन, प्रोलैप्स या फिर रेट्रोवर्जन। तो एंटीवर्जन तो नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन है, बट यदि यूट्रस इनसाइड आउट टर्न हो जाती है तब टर्म यूज क्या होगा, इन्वर्जन, यूट्रस इन्वर्जन। एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्सन तो क्या है, नॉर्मल पोजीशन है, बट यदि अंदर ही रिवर्ट हो जाती है तो क्या है, इन्वर्जन। नेक्स्ट इज द मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड इज सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। तो सबसे ज़्यादा जो लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड की सप्लाई कौन सी आर्टरी करेगी, इन्फीरियर मेजेंट्रिक, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक या फिर एंटीरियर मेजेंट्रिक। तो जो आर्टरी ब्लड की सप्लाई करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा, तो वो कौन सी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हैज़ रन अवे फ्रॉम होम अडॉप्टिंग अ न्यू आइडेंटिटी विथ कम्प्लीट एमनेसिया अबाउट हिज अर्लियर लाइफ, दिस डिसऑर्डर इज नोन एज। यदि कोई पर्सन अपने घर से भागा और वो कुछ टाइम में अपना पूरा पास्ट भूल गया, बट जो अब रिसेंट में उसको वही सब याद है, तो किस टाइप का डिसऑर्डर कहलाएगा, कन्वर्जन, मल्टीपल पर्सनैलिटी, डिसोसिएटिव फ्यूग या फिर डिसोसिएटिव एमनेसिया। कम्प्लीट एमनेसिया है उसकी, जो अर्लियर जो पास्ट लाइफ रही उसको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, बट वो अपनी नई आइडेंटिटी बना चुका है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव एमनेसिया में पर्सन को जो उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो याद नहीं रहेगी, बट कंप्लीट तरीके से सब कुछ भूल जाना क्या है, डिसोसिएटिव फ्यू। नेक्स्ट इज अ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन अंडरवेंट पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड बाय द नर्स अपॉन डिस्चार्ज। तो यहाँ पर 2 साल के बच्चे का यदि एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है तो उसकी सर्जरी हुई है पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी। तो आप सर्जरी के बाद पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उसको क्या समझाएंगे, एडवाइस ऑन इम्यूनाइजेशन, मॉनिटर इंटेक एंड आउटपुट, मेजर हेड सर्कमफेरेंस रेगुलरली या फिर रेगुलर एनल डायलिटेशन। जो 2 साल का बच्चा है उसमें यदि सर्जरी की गई है तो आप उसके पेशेंट को रेगुलर एनल डायलिटेशन के लिए कहेंगे। जो पोस्टीरियर सजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी है, इट्स अ न्यू टेक्निक फॉर रिपेयर ऑफ हाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाने वाली सर्जरी है।
रेनोरेक्टल मालफॉर्मेशन ट्रीट होने के बाद, सर्जरी होने के बाद आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि रेगुलर एनल डायलिटेशन करवाना है। नेक्स्ट इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है ओसीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन या फिर डोपामाइन। तो ओसीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? तो वो है सेरोटोनिन। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग एक्सेप्ट। तो ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सलाइवेशन, हाइपरवेंटिलेशन, ब्रोंकोस्पास्म या फिर पिनपॉइंट प्यूपिल। तो जो यहाँ पर ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग के साइन हैं सभी है हाइपोवेंटिलेशन होगा ना कि हाइपरवेंटिलेशन। नेक्स्ट इज एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2015 गाइडलाइंस इन अ सिंगल रेस्क्यूअर CPR फॉर एन इन्फेंट द रेशियो ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंप्रेशन। तो इन्फेंट में CPR का जो रेस्पिरेशन टू कंप्रेशन का रेशियो है वो क्या होगा? तो वो होता है 2/30। कितना? 2/30। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर शुड अ नर्स प्रिपेयर फॉर सून आफ्टर अ पेशेंट इज एडमिटेड विथ पॉसिबल रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर किया जाएगा यदि पेशेंट का जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या हुआ है, रप्चर हुआ है? तब DNC, ऊपरेक्टोमी, इवैक्यूएशन ऑफ फीटस या फिर हिस्टेरेक्टोमी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यदि रप्चर हुआ है तो ऐसे केस में जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी क्या? हिस्टेरेक्टोमी करना, यूट्रस को ही रिमूव करना। नेक्स्ट इज इन मेल्स व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मेल क्लाइंट में हीमोग्लोबिन की रेंज कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगी जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेल का पूछते हैं तो 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में पूछेंगे तो 12 से 16। याद रखें मेल क्लाइंट का नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज होगी 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल की 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट इज बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन में है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, रोरसाच टेस्ट, वेंडर जेस्टॉल टेस्ट या फिर थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा? वेंडर जेस्टॉल टेस्ट। यहाँ पर इसको वेंडर विजुअल मोटर जेस्टॉल टेस्ट भी कहा जाता है जिसमें विजुअल मोटर फंक्शनिंग, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है जो चेक की जाती हैं जिन बच्चों की एज 3 साल से ज़्यादा और ओल्डर एडल्ट पेशेंट हो उन्हीं में। 3 साल से ज़्यादा एज के बच्चों में ही ये किया जाता है। नेक्स्ट इज फीवर इज डिफाइंड एज टेम्परेचर ग्रेटर देन। तो फीवर को कब कंसीडर किया जाएगा? जब टेम्परेचर कितना हो मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो कन्वर्ट करने के फॉर्मूला होते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये दोनों एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर इज। तो बचपन में जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसका सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है? मेड्यूलोब्लास्टोमा, ग्लियोमा, एस्ट्रियोसाइटोमा या फिर एपेंडियोमा। तो यदि किडनी में पूछें तब विल्स ट्यूमर होगा, यदि ब्रेन में पूछें तब होगा मेड्यूलोब्लास्टोमा। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो सभी साइन है सीवियर डिहाइड्रेशन के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है डिले कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, सनकेन फॉन्टेनल्स, ड्राई ओरल म्यूकोसा एंड अलर्ट मेंटल स्टेटस। तो सीवियर डिहाइड्रेशन के फीचर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो अलर्ट मेंटल स्टेटस सीवियर डिहाइड्रेशन में नहीं आएगा, ये माइल्ड मॉडरेट में आएगा। बाकी सनकेन फॉन्टेनल, ड्राई ओरल म्यूकोसा और डिले कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है सब किस में आएंगे? सीवियर में। नेक्स्ट इज यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सहेल्ड ब्रीथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो कि एक एक्सहेल्ड ब्रीथ टेस्ट है किसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाएगा? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पायलोरी या फिर इकोलाई। तो पेप्टिक अल्सर में टेस्ट किया जाता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी को फाइंड आउट करने के लिए।
कि आपको पेप्टिक अल्सर है या नहीं, तो पहले आपको एक सब्सटेंस लिक्विड के थ्रू इनहेल किया जाएगा, यूरिया। देन आफ्टर आपका एक बैग दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी सांस है जो छोड़ना है, एक्सहेल करना है। एंड देन वो बैग रहेगा, उसको टेस्टिंग की जाएगी, तो उसमें पता चलेगा कि आपकी ब्रीद में हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है। तो जो टेस्ट है क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाएगा यूरिया ब्रीद टेस्ट। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ एक्सेप्ट, तो सभी रिफ्लेक्स एट बर्थ प्रेजेंट रहते हैं किसी एक को छोड़कर, सकिंग, पैरासूट, मोरो एंड पाल्मर। तो यहाँ पर ये देखिए सभी रिफ्लेक्स हैं, पैरासूट रिफ्लेक्स इमेज दी हुई है, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं रहेगा, ये देखने को मिलेगा 6 से 9 महीने की एज में, बाकी सभी एट द टाइम ऑफ बर्थ है जो प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि क्लास है जो ऑलरेडी टाइम हो चुका है, जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप और क्वेश्चन ऐड करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिए जाएंगे। तो फीटल हार्ट साउंड है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहाँ आप चेक कर पाएंगे, एट द अम्बिलिकस, अबव द अम्बिलिकस, अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस या फिर बिलो द सिम्फाइसिस। तो 74 MCQs की क्लास रही है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन और जो अदर क्वेश्चन होंगे कम्युनिटी के वो नेक्स्ट क्लास में आपको आज ही या फिर कल मॉर्निंग में करवा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।